कैसे हो आप सब दोस्तों। सबसे पहले तो माफी कि एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। आप सब सोच रहे होंगे कि जब बिटकॉइन की हालत खराब थी मैं रेगुलर वीडियो बना रहा था और बिटकॉइन पिछले एक हफ्ते के अंदर इतना बूम कर गया और मैं कहां हूं। तो आपको बता दूं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट ट्विटर टेलीग्राम पे हम थोड़ा एक्टिव थे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आप हमारी मिस ना कर पाएं, और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन की। आई एम श्योर जिसके पास में बिटकॉइन है वो इस टाइम पे बहुत राहत की सांस ले रहा होगा और इन्जॉय कर रहा होगा बिटकॉइन के प्राइस को लेके। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे और मैं भी उसमें से एक हूँ जो कि बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़े से फंसे हुए हैं, और उनको लगता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा रहे हैं कि सर ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा और बिटकॉइन। अगर आपको याद होगा हमने 3, 4, 5 पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई होंगी उसके ऊपर, और हमने काफ़ी वीडियो के अंदर हमने आपके साथ में शेयर किया था कि बिटकॉइन का प्राइस $14,700 के आसपास जा सकता है, और उसका हमने कैलकुलेशन एक बताई थी और पीछे की हिस्ट्री फैक्ट फिगर कंसेंसस को लेके भी बताया था। और वो जो हमारी प्रिडिक्शन है आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली तो नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो सही निकली है। बिटकॉइन जो है $14,000 तक गया और अभी आप समझ लीजिए 15 से 17-18 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या ये 14,700 को क्रॉस करेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा और हमने कई काफ़ी वीडियोस के अंदर वो शेयर किया था, तो आई एम श्योर उस टाइम पे बिटकॉइन $8,000-7,500 का था, तो आप जो है एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे अगर वो कैलकुलेशन को आपने अगर देख के उसके हिसाब से अगर कुछ ट्रेड किया होगा। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। हमने बिटकॉइन की अगर बात करें तो 3-4 महीने पहले जब बिटकॉइन $3,000-4,000 था, तो हमने वहाँ पे भी आपके साथ में कई आइडियाज शेयर किए थे, कई वीडियोज हमने बनाई थी कि बिटकॉइन जो है अगर यहाँ से लॉस होगा, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो अगर यहाँ से बिटकॉइन का लॉस होगा तो आपका कितना होगा, $3,000 का $1,500 रह जाएगा। ज़ीरो तो आई एम श्योर कभी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे हिस्ट्री में नहीं हुआ, और जैसी इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है ज़ीरो होना भी नहीं चाहिए था। और जो ये वेल्स हैं वो इतना बटोर रही थी वो किस लिए बटोर रही थी, तो 3,000 से मैं ज़्यादातर जब लोग मेरे से पूछते थे तो मैं यही चीज़ बोलता था, और कई जो नॉन थे क्या हो सकता है बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी, और मैंने शायद आपके साथ में भी कई वीडियोज में शेयर किया होगा बिटकॉइन $3,000-4,000 का था तो क्या होता, अगर मान लो नुकसान होता तो $4,000 की चीज़ $2,000 हो जाती, यानी कि नुकसान 50% तक होता और प्रॉफिट अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। और इस टाइम पे देखेंगे तो $4,000 की चीज़ $12,000-14,000 यानी कि दुगना तिगना ऑलरेडी ये रिटर्न दे के जा चुकी है। तो कई बार ऐसी कैलकुलेशन लेनी पड़ती है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ती है। तो अब जो बात करने वाले हैं बिटकॉइन का प्राइस अब यहाँ से क्या हो सकता है, आपको मैं बता दूं टेलीग्राम और ट्विटर पे अगर आप हमें फॉलो करते होंगे, टेलीग्राम पे खासकर, तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी जब बिटकॉइन $14,000 के आसपास था $13,500 तभी हमने आपको जो है वहाँ पे चार्ट भी शेयर किया था, हिंट भी दे दिया था कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से जो है यहाँ पे इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस है और यहाँ से जो है फॉल बैक कर सकता है, और काफ़ी जो है इंडिकेशन उस चीज़ के मिल रहे थे और ऐसा ही हुआ। अब बात करते हैं और अब आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से क्या दोबारा से $14,000 जाएगा या $20,000 जाएगा, या ये जो है आप कैस आप जो कई लोग जो दुआ कर रहे होंगे, जो हेटर्स होंगे खासकर, कि बिटकॉइन दोबारा से यहाँ पे 2-3 लाख जो है रुपए का आ जाए, तो क्या ये नीचे आएगा और आएगा तो कितना नीचे तक आ सकता है, तो इस बारे में भी आज जो है टेक्निकली बात करेंगे। साथ के साथ ऑल्ट कॉइन्स की जो हालत खस्ता हो चुकी है और तो सब जो है उस चीज़ से परेशान है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि यहाँ से बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स कहाँ जाने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका दोस्त पंकज आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबा के, साथ में बेल भी दबा दीजिएगा अगर ऑलरेडी आप सब्सक्रिप्शन के अंदर हैं हमारी YouTube चैनल के, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो एकदम से फटाफट आपको मिलती रहे। साथ के साथ में लाइक आप ठोक दीजिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो शेयर भी आप कर दीजिएगा ताकि लोगों को जो है पैनिक ना हो, परेशान ना हो, चिल रहें, मस्त रहें। और एक और वीडियो जो है अगली आने वाली है वो मोस्ट प्रोबली आज शाम को या कल जो है वो आ जाएगी,
और उसके अंदर अब इंडियन कंटेक्स्ट में क्या क्रिप्टो करेंसी की हालत है उस बारे में बात करने वाले हैं, और ये जो एक्सचेंजेस जो है बंद हो रहे हैं उसका अब क्या लॉजिक है। तो आप सबके लिए एक वार्निंग भी है, कुछ चेताया भी है, तो वो वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, वो उम्मीद करिए शाम को या कल आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। दोस्तों अगर अभी आप चार्ट देख रहे होंगे तो ये जो पोस्ट है ट्रेडिंग व्यू पे हमने दो दिन पहले जो है शेयर की थी 26-27 तारीख को, बिटकॉइन $11,500 और बिटकॉइन क्या आप $14,000 जाएगा या $9,400 जाएगा। और आपको बता दें कि उसके पीछे का हमने कुछ लॉजिक बताए थे, और ये जो हमने बताया था तब जो है $13,500 के आसपास था, और जब ये हमने चार्ट बनाया था, ये जो हमने जो चार्ट शेयर किया था तो उसके पीछे हमने दो तीन इंडिकेटर लिए थे, और जैसा हमें लग रहा था और ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा हुआ, $13,500 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस थी। उसके पीछे का क्या रीज़न था, अगर आप ये चार्ट देख रहे होंगे एग्जैक्टली, अगर ये चार्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है टूल माना जाता है इंडिकेशन का, और डे वन कॉइन बेस का हम चार्ट ले रहे हैं, और डे वन का जो अगर हम चार्ट लेते हैं एक दिन का जो चार्ट है डेली कैंडल का, तो अपने ऑल टाइम हाई से अपने लो तक जब ये गया था, अपने जो ऑल टाइम हाई से अगर इसका लो को अगर लेते हैं कंसीडर करते हैं, तो एक जो है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जब अगर नीचे से दोबारे से चीज़ जाती है तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता है 0.618, और वो बन रहा था $13,500 के आसपास। और अगर आप चार्ट में नोटिस कर रहे होंगे $13,500 के आसपास यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली, तो ये ऑलमोस्ट 14,000 तक गया, लेकिन वहाँ से ये दोबारे से फॉल बैक कर गया। लेकिन अगर उसी को देखें 0.5 जो है एक और इम्पॉर्टेंट है, वहाँ इसको सपोर्ट मिली और वहाँ से ये दोबारे से रिवर्स कर गया। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो दोस्तों यहीं पे ये सस्टेन कर रहा है, इस जो है इन दोनों लाइनों के बीच में ये सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये यहाँ सस्टेन करता है, टेक्निकली बता रहा हूँ, और एक बात नोटिस और करना जो कि हमें उस टाइम पे खटक रही थी जब हमने ये चार्ट बनाया था, तो एक बात और नोटिस करना कि यहाँ पे जो है उस टाइम पे 80 से प्लस था जो RSI इंडेक्स है, जो कि हमें बताता है कि क्या जो है ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। तो 80 से ऊपर अगर कभी भी जाता है, 70 के ऊपर अमूमन मानते हैं, अगर 80 से ऊपर ये इंडेक्स जाता है तो खतरे की घंटी बोली जाती है। और अगर आप नोटिस करोगे उस टाइम पे और यहाँ पे, दोनों टाइम पे ये जो है इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है, एक तो ओवर बॉट की पोजीशन में था तो यहाँ से फॉल बैक करना था। और आप देखोगे उसके बाद ही अगली डेली कैंडल के अंदर बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट $10,500 के आसपास आ गया था, लेकिन अब जो है 11,500 एक अच्छी खासी इसको सपोर्ट मिल रही है और यहाँ ही सस्टेन कर रहा है, और कहीं ना कहीं 60 के नीचे जो है RSI भी आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है, कुछ टाइम के अंदर ब्रीथ लेता है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको एक अच्छा सा रिवर्सल दिख सकता है। और यहाँ पे अगर ये जो है इस जो गोल्डन लाइन को अगर क्रॉस करता है, फिर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक दोबारे से आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे या इसके ऊपर जो है डेली कैंडल को क्लोज करना ज़रूरी है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। साथ ही जो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि RSI जो है एक अच्छा इंडिकेशन देती है कि कहीं ना कहीं वहाँ वो जो है जो बहुत जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो इसको इंडिकेटर को बहुत जो है सीरियसली लेते हैं। तो RSI के हिसाब से भी अगर देखें तो इस टाइम पे बिलो 60 आ गया है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन इस टाइम पे ब्रीदर जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है, अगर इसको यहाँ से नीचे आता है, तो नेक्स्ट डोर जो आपका सपोर्ट है वो $9,400 है, और जो हमने आपके साथ में शेयर किया था। अगर आप ये चार्ट देखोगे जो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर की थी, तो टेलीग्राम ट्विटर पे आप फॉलो कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, यू कॉल्ड इट एग्जैक्टली। तो अभी अभी किसी ने शायद जो है पोस्ट किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। देखिए जब हमने पब्लिश किया था उसके बाद यहीं ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब बात करते हैं जो है ऑल्ट कॉइन्स की। दोस्तों जब भी बिटकॉइन का ऐसा पैराबोलिक मूव होता है, वो दौर एक अलग था कि बिटकॉइन भी बढ़ रहा था, ऑल्ट कॉइन भी बढ़ रहे थे, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि जो है आप कह लीजिए जो ऑल्ट कॉइन्स है ना इस टाइम पे, अगर $3,000 से $4,000 जब बिटकॉइन का प्राइस था, फिर वहाँ से $8,000 गया, तो ऑल्ट कॉइन जो है 40-50% तक टूट गए थे।
तो वही ट्रेंड आपको दोबारा से दिख रहा है कि जैसे ही $8,000 से 14,000 $13,500 ये गया तो फिर ऑल्ट कॉइन दोबारा से 40-50% टूटे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, जैसा हमें लगता है यहाँ पे कुछ दिन ये रहेगा $13,000-$14,000 के आसपास, तो यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स में आपको रिवर्सल दिखेगा बिटकॉइन की फॉर्म में। डॉलर की फॉर्म में तो जो है कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस भी बढ़े हैं, लेकिन बिटकॉइन की फॉर्म में, क्योंकि हम जो है बिटकॉइन बनाना चाहते हैं, बिटकॉइन को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो बिटकॉइन जो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं तो उनको जो है थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप रहेंगे तो आई एम श्योर जो है आपको आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन की फॉर्म में भी आपके जो ऑल्ट कॉइन्स ग्रो करते हुए दिखेंगे। अब होता क्या है, एक हायरार्की बताता हूँ। यूजुअली जो हम ट्रेंड नोटिस करते हैं, अगर कोई न्यूज़ ना हो तो यूजुअली जब बिटकॉइन बढ़ता है उसके बाद में जाइंट कॉइन्स जैसे कि रिप्पल हो गया, इथीरियम हो गया, या टॉप 10-20 कॉइन्स हैं वो बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर शॉर्ट और मिड कैप के जो कॉइन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और फिर जब एक रैली आती है ना तो सभी बढ़ते हैं। तो ये सारा जो है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको अपने ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप बिटकॉइन की फॉर्म में भी उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जब था $4,000 से $8,000 आया था तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स टूट गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो है अच्छे लेवल तक रिकवर कर गए थे। अब दोबारा से वही सिचुएशन आ गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और जैसा ट्रेंड रहता है और जैसा ट्रेंड लग रहा है, तो जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है तो यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स आपको अब ट्रेंड में मूव करते हुए दिखेंगे। तो आप सबके लिए दोस्तों यही था आज की डेट में कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा और कहाँ इसको रेजिस्टेंस है, कहाँ इसको जो है सपोर्ट मिल रही है। रेजिस्टेंस की बात करें बिटकॉइन को, क्या $13,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है, उसका मैंने आपको बता दिया टेक्निकली क्या है, और सपोर्ट कहाँ है। अगर 11,500 एक सपोर्ट है, उसको अगर वहाँ ब्रेक करता है तो $9,400 तक भी ये आ सकता है, राइट। तो इन चीज़ों को देख के हिसाब से आप ट्रेड करिए, और कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो आपको वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी थिंक कि ये तो शुरुआत है, अब लेट्स सी आगे क्या होता है। और कहीं ना कहीं जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इतनी बढ़ती है तो करेक्शन भी आनी चाहिए। अब $8,000 से एक महीने के अंदर $14,000-$13,000 हो गया, और वहाँ से अगर $1,500-$2,500 अगर वो घट भी गया तो बिल्कुल ठीक है। और हम यही चीज़ बार बार दिमाग में रख रहे थे कि यहाँ पे करेक्शन आना ज़रूरी है एक हेल्दी मूव के लिए बिटकॉइन के। अगर करेक्शन नहीं आती तो ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता। तो अब जो है कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हाँ, अब की बार जब दोबारा से मूव लेगा तो ये $15,500-$20,000 अपने नए ऑल टाइम हाई को भी बना सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारा जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था $14,700, तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पीछे वीडियो बनाई हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी, ताकि जो ऐसी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं या ऐसी ऐसी कोई न्यूज़ होती हैं आप मिस ना करें, और ऐसी वीडियोस को आप मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाते रहें, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लगातार लाते रहें। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और वो इंडियन कंटेक्स्ट में रेगुलेशंस को लेके, एक्सचेंजेस को लेके होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी जो है वेट कीजिएगा, उम्मीद करिएगा अगले 24 घंटे में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।